पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से भारत में बढ़ी टेंशन। आखिर कौन सी चाल चल रहा है अमेरिका? पाकिस्तान पर अमेरिकी मेहरबानियों ने उठाए सवाल। भारत के खिलाफ किस साजिश को अंजाम देने की है तैयारी? दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती खुलकर सामने आने लगी है। दोनों को देखकर लग रहा है कि जैसे इमरान खान के दौरान जो दूरियां आई थी उसे वो हर कीमत में भरना चाहते हैं। इसलिए दोनों तरफ से लगातार ऐसी ऐसी मेहरबानियां की जा रही हैं कि पूरी दुनिया चौंक गई। अभी F-16 विमान डील की सुर्खियां थमी ही नहीं थी कि फिर से अब एक और नए मामले ने इनके मजबूत रिश्तों की गवाही दे दी है। अब अमेरिकी तटरक्षक बल के दो जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती ये यारी भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। अमेरिकी जो बाइडेन सरकार भारत को एक के बाद एक झटके दे रही है, पहले F-16 की डील, फिर उसके बाद कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का पक्ष और अब ये जहाज। अमेरिका का ये रूप भारत को आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहा है और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका क्या करना चाहते हैं, दोनों के बीच क्या प्लानिंग चल रही है और भारत इन दोनों से बचने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन दोस्तों, अमेरिका के पाकिस्तानी प्रेम को लेकर अब अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसलों को लेकर कहा जा रहा है कि वो मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को F-16 विमान बेचने का फैसला मूर्खतापूर्ण है। अमेरिकी वेबसाइट वाशिंगटन एग्जामिनर के लेखक माइकल रूबिन ने कहा कि विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने 2 सप्ताह पहले तर्क दिया था कि इससे पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों के खिलाफ संघर्ष में मदद मिलेगी, लेकिन इस दावे को न्याय संगत नहीं माना जा सकता। लेखक के अनुसार ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना का बलूचिस्तान में अपने ही लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के कुप्रबंधन के कारण आंदोलन खड़ा हो गया है। पाकिस्तान जिन हथियारों का अपनी जनता के विरुद्ध प्रयोग करेगा उसे उपलब्ध कराने का बाइडेन का निर्णय नैतिक रूप से अटपटा और जोखिम भरा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को वित्त लैस और प्रोत्साहित करना जारी रखती है। लेखक लिखते हैं कि जब तक पाकिस्तान ISI नेताओं को देशद्रोह के आरोप में रोकने का फैसला नहीं लेता, तब तक अमेरिका को पाकिस्तान की पीड़ित कथा को नजरअंदाज करना चाहिए। वाशिंगटन एग्जामिनर के अनुसार अमेरिका ने एक बड़ी समस्या को नजरअंदाज कर दिया और वो ये है कि पाकिस्तान F-16 के साथ चीन की वायुसेना के साथ अभ्यास कर सकता है, जो चीनी पायलटों की एक नई पीढ़ी को अमेरिकी विमानों के खिलाफ अभ्यास करने और नए अपग्रेड के लिए अपनी रणनीति को समायोजित करने की अनुमति देगा। यह अभ्यास अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन ने बार बार संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास आयोजित किए हैं। इनमें से चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एक युद्धक विमान JF-17 थंडर और चीनी निर्मित चेंगदू F-7 इंटरसेप्टर शामिल है। इससे पहले भी ये देखा गया था कि पाकिस्तान ने बार बार चीन को अमेरिकी तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी है ताकि चीनी कंपनियां इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। उदाहरण के लिए अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन के बाद उपकरण खराब होने के मामले में यही मामला था। बाइडेन और ब्लिंकन बार बार ऐसी नीतियों का अनुसरण करते हैं जो कूटनीतिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमतर करती है। लेखक के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस को पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन यहां अमेरिका कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। उसके और पाकिस्तान के समीकरण दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, एक दूसरे पर इतनी मेहरबानियां करते जा रहे हैं। अमरीकी तटरक्षक बल के 2 जहाज 6 से 9 अक्टूबर तक कराची में थे। इन जहाजों का कराची पहुंचना ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते किस कदर मजबूत हो रहे हैं। अमरीकी नौसेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान जारी कर इन जहाजों के पाकिस्तान पहुंचने की जानकारी दी गई है। ये जहाज पिछले दिनों ऐसे समय में पहुंचे जब पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा अपना अमेरिका दौरा करके लौटे थे।
सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है कि कोस्ट गार्ड के जहाज USCGC चार्ल्स माउलथोर्प और USCGC अमीन टनल कराची गए थे। ये दोनों ही जहाज तटरक्षक बल के पांचवें बेड़े का हिस्सा है। नौसेना ने बताया कि मध्य पूर्व में तटीय स्थिरता और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए इन जहाजों को कराची भेजा गया था। अमरीकी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का दौरा करके हम काफी खुश हैं, क्योंकि इस गतिशील क्षेत्र में हमारे रिश्ते बन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में गश्ती सेनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन एरिक हेलगेन की माने तो ये हालिया दौरा ये बताता है कि पाकिस्तान की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के बीच कितना करीबी रिश्ता है। उनकी माने तो ये संबंध आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के सदस्यों ने कराची में पाकिस्तान नौसेना के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। दोनों के बीच तटीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर काफी देर तक चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ऐसी बातें हुई हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि व्हाइट हाउस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए तैयार है। भारत के बावजूद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को अमेरिका से समर्थन मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड बब्लोरम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए आजाद जम्मू कश्मीर का प्रयोग किया था। 7 अक्टूबर को भारत की तरफ से ब्लोरम के पीओ के दौरे का विरोध भी किया गया था। इस घटना से पहले सितंबर में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 देने के लिए $450 मिलियन का पैकेज देने का ऐलान किया गया। बाइडेन प्रशासन की माने तो ये पैकेज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए काफी जरूरी है। भारत की तरफ से इस अमरीकी तर्क का विरोध किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका अपने इस तर्क से किसे बेवकूफ बना रहा है, किसी को नहीं मालूम। अमरीकी नौसेना का पांचवा बेड़ा मिडिल ईस्ट में अमरीका की मौजूदगी के लिए काफी जरूरी है। अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के अलावा लाल सागर और हिंद महासागर का एक हिस्सा मिडिल ईस्ट में आता है। ये क्षेत्र 25 लाख क्विडोलियर मील तक फैला हुआ है और इतने हिस्से में पांचवा बेड़ा कमान संभाले हुए है। इस क्षेत्र में 21 देश आते हैं और 3 अहम जलमार्ग हैं, जिनमें स्वेज नहर, होर्मुज का जल डमरू मध्य और यमन का बाब अल मंडेब की जल मटरू मध्य भी इसी हिस्से में पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के इस तरह से नजदीक आने से भारत टेंशन में आ गया, क्योंकि इस तरह से दोनों का करीब आना कभी भी भारत के लिए सही नहीं रहा। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर अमरीकी लेखक और भारत की कही बातें अभी सुर्खियों में ही बनी हुई थी कि पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की ओर से राहत कार्यों के लिए दिए गए पैसे में पाकिस्तान ने गड़बड़ी कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाशिंगटन ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और ये ऐसा कुछ है जिसे अमेरिका काफी सीरियसली लेता है। ऐसी कोई भी जगह जहां अमेरिकी करदाताओं का डॉलर लगा हुआ है, वहां किसी तरह की गड़बड़ी हम पसंद नहीं करते, इसे हम गंभीरता से लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्राइस ने कहा कि हम दुनिया में त्रासदी झेल रहे देशों की मदद करते हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता भेजते हैं, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार करना बहुत गंभीर मामला है। हम इसका आकलन करेंगे और आगे कार्रवाई पर विचार करेंगे। भ्रष्टाचार को गंभीर मानते हुए नेट प्राइस ने कहा कि टीम के मेंबर क्षेत्र में हमारे कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियमित रूप से विजिट करते हैं। हमारे पास एक आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम भी है, जिसे डाल्ट कहा जाता है, और उनके सदस्य सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में 10 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की नीयत कैसी है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसकी मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान से बड़ा हथियार और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहां वो भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, वहीं उसका यही हथियार अमेरिका पर भी वार करने से बाज नहीं आता है।